के अंदर जो अभी तक 8 एक्यूज्ड को अरेस्ट करा गया है और 30 ऐसे जो लोग हैं व्यक्ति विशेष हैं जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करी गई है। गुड़गांव पुलिस के द्वारा बिल्कुल संवेदनशील जितने भी ऐसे इलाके थे वहाँ पर सभी हैवी से हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी गई। जिस प्रकार से नू मेवात जिले के अंदर जो घटनाक्रम हुए उसके दौरान 31 जुलाई को जो घटनाक्रम गुड़गांव के अंदर हुए और उसके बाद 1 अगस्त को जो घटनाक्रम हुए उसका संक्षिप्त विवरण गुड़गांव पुलिस द्वारा आपको दिया जा रहा है। गुड़गांव पुलिस पर पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 15 FIRs रजिस्टर्ड करी गई हैं ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ जो अलग अलग ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में आगजनी के अंदर जो संलिप्त पाए गए हैं। इसके अंदर जो अभी तक 8 एक्यूज्ड को अरेस्ट करा गया है और 30 ऐसे जो लोग हैं व्यक्ति विशेष हैं जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करी गई है। इसके अंदर एक FIR रजिस्टर्ड हुई थी जो सेक्टर 57 के अंदर एक अंजुमन मस्जिद के अंदर घटनाक्रम हुआ था जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए थे जिसमें 1 व्यक्ति की वहां पर मौके पर डेथ हो गई थी और दूसरा व्यक्ति है जो इंजर्ड हुआ था तो उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के अंदर अंडर सेक्शन 302 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के तहत कार्रवाई करी गई है और उस पर्टिकुलर केस के अंदर 4 व्यक्ति विशेष को जो के अंदर आरोपी थे सस्पेक्ट थे उनको अरेस्ट करने में गुड़गांव पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है। ये गुड़गांव के कुछ तिगड़ा के और आसपास के संबंधित क्षेत्र से जो वहाँ के निवासी थे 4 व्यक्ति हैं जिनका जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। अंकित है, राहुल है, रविंदर है और राकेश है, इनको अरेस्ट करा गया है अभी और फर्दर जितने और भी सस्पेक्ट्स थे काफ़ी इसमें लोग बताए गए हैं, लगभग 30 से 35 ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने उस मस्जिद के ऊपर आगजनी की कार्रवाई करी है और जो वहाँ पर मार पिटाई करके 2 व्यक्तियों को घायल कर दिया था जिसमें 1 की मृत्यु हो गई थी। फायर जो करा गया था वहाँ पर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कितने राउंड फायर हुआ है, जो भी सस्पेक्ट उसमें रहे हैं उन सभी को जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाएगा। जो जिसने फायर करा है वो अभी सस्पेक्ट अभी उसकी तलाश जारी है, जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करा जाएगा। मोहम्मद सादिक की हत्या का जो कारण आया है वो उसको स्टैबिंग की वजह से आया है, उसको स्टैब करा गया था किसी चाकू से और जो फायर हुआ था वो एक जो उसका साथी था दूसरा जो वहाँ पर मॉस्क के अंदर ही था उसके पैर में गोली लगी थी जो मेडिसिटी के अंदर अभी उसका इलाज उपचार चल रहा है और उसकी कंडीशन स्टेबल। फायर करने वाले की पहचान हो रखी है, हम पुलिस उसको जल्द से जल्द पकड़ेगी। नहीं, पुलिस के पास जितने भी सेंसिटिव जोन्स बने हुए थे जैसे ही नू और मेवात के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था तो गुड़गांव पुलिस क्योंकि उसके साथ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव पुलिस के द्वारा बिल्कुल संवेदनशील जितने भी ऐसे इलाके थे वहाँ पर सभी हैवी से हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी। इसको हायर अथॉरिटीज़ द्वारा क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा था लेकिन इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी घटनाएं जो सामने आई हैं पिछले 2 दिनों के अंदर वो डीएस्केलेट हुई हैं जो कि 31 को जितनी घटनाक्रम हुआ था उसके बाद जो सोना के अंदर 5 FIR रजिस्टर्ड हुई तो सभी CCTV फुटेज वगैरह देख रहे हैं लेकिन जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है जैसी सूचना मिली पुलिस उस मौके पर पहुंची है और लोग वहां से भाग चुके थे जिस दौरान जितने भी सस्पेक्ट वहां पर लोकल जितने भी CCTV की मदद से या जो आई विटनेस की मदद से हम जितने लोग पहचान कर सकते थे जल्द से जल्द पुलिस ने कोशिश करी उन लोगों को डिटेन करी, अप्रिहेंड करा और 4 व्यक्ति विशेष जिनका मैंने आपको नाम बताया है उनको अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल करी। और जितने भी लोग हैं ये स्पष्ट संदेश हम देना चाहते हैं जितने भी लोग इस प्रकार की घटनाक्रम में इन्वॉल्व रहे हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाएगा। मैं आपको गुड़गांव पुलिस के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के फॉल्स रूमर्स जो खासकर सोशल मीडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन पर आप बिलीव ना करें। गुड़गांव पुलिस की तरफ से आपको स्पेशल अपील करी जाती है कि गुड़गांव में सभी सारी स्थिति नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है। किसी भी प्रकार का जो रूमर्स फैलाया जा रहा है कि ऑफिस बंद हैं या वर्क फ्रॉम होम है या डिलीवरीज नहीं हो रही, किसी भी प्रकार से किसी चीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। गुड़गांव में विद इन गुड़गांव और आउटसाइड गुड़गांव रूट्स पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ट्रैफिक स्मूथली मूव कर रहा है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। पिछले कुछ 2 दिनों के अंदर कुछ छुटपुट घटनाएं और वारदातें हुई हैं उसके तहत गुड़गांव पुलिस द्वारा सख्ताई से कार्रवाई करते हुए हैवी डिप्लॉयमेंट करते हुए संवेदनशील एरियाज के अंदर कार्रवाई करी गई है, FIRs रजिस्टर्ड करी जा रही हैं और जो भी अगर कंप्लेंट देना चाहता है तो 112 जो गुड़गांव पुलिस का कंट्रोल रूम का नंबर है 112 के माध्यम से आप कंप्लेंट दे सकते हैं, कोई रिपोर्ट कर सकते हैं, आपकी सूचना भी गुप्त रखी जाएगी। किसी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप गुड़गांव पुलिस 112 नंबर पर डायल करके आप मदद मांग सकते हैं। जो 1 अगस्त की हम बात करें तो 4 घटनाएं हमारे पास रिपोर्ट हुई हैं और जगह जगह पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी इस बारे में,
वो छोटे छोटे कुछ लड़के ग्रुप्स बना के घूम रहे हैं, जो किसी अगर कोई मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है, पुलिस उनकी मदद के लिए और उनकी जान और माल की सुरक्षा और रक्षा के लिए तैनात है। वो छोटी मोटी जो चार घटनाएं जो रिपोर्ट हुई हैं उसके तहत कार्रवाई करी जा रही है, उनकी पहचान करी जा रही है, कुछ लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा भी जाएगा और कानून के तहत जायज और प्रॉपर कार्रवाई, स्ट्रिक्ट कार्रवाई करी जाएगी। पिछले दो दिनों के अंदर देखा गया है कि खासकर जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो ये कार्रवाई हुई है और खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार के र्यूमर्स फैलाए गए हैं उसको गुड़गांव पुलिस कंडेम करती है, लेकिन इस बारे में जरूर आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति विशेष है तो वो तुरंत किसी भी प्रकार से उसको अगर किसी बात का भय लगता है, डर लगता है, तो 112 नंबर पर डायल करके पुलिस से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा मैं अपडेट करता हूँ साथ साथ, कुछ लोगों के पास हमारी इन्फॉर्मेशन आई कि उनके मन में डर और भय का जरूर ये था भाव था कि गुड़गांव में उनकी स्थिति किसी प्रकार से अगर उनको डर लगता है तो शायद उनके ऊपर कोई अटैक ना हो जाए, तो गुड़गांव पुलिस उनको विश्वास दिलाती है और हमने काफ़ी ऐसे लोगों को विश्वास दिलाया है पर्सनल तौर पे भी कि इस प्रकार से किसी को अपना घर छोड़ के जाने की, दुकान और अपना काम छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। गुड़गांव में स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, साधारण है, किसी प्रकार से भी अगर किसी को डर या भाव ऐसा कुछ किसी के मन में लगता है वो तुरंत प्रभाव से गुड़गांव पुलिस में किसी भी माध्यम से अब गुड़गांव पुलिस को संपर्क कर सकता है। गुड़गांव पुलिस तुरंत प्रभाव से उसकी जानो माल, उसकी सभी संपत्ति और उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उसकी जानो माल की सुरक्षा के लिए। जिस तरीके से नू का घटनाक्रम हुआ, एस्केलेट हुआ 31st को, उस दौरान जो उसके बाद जो घटनाक्रम उसी की जो आगजनी मेवात क्षेत्र से जो गुड़गांव क्षेत्र में सोना के एरिया में और संबंधित गुड़गांव के कुछ क्षेत्रों में हुआ, उस दौरान जो 31 तारीख के अंदर जो घटनाक्रम हुआ 9 व्हीकल्स डैमेज हुए थे जिसमें आगजनी हुई थी, जिसमें 5 व्हीकल्स थे और 2 ऑटो थे और 1 मोटरसाइकिल थी जिसके अंदर आग लगाई गई, लेकिन उसके ऊपर क्रम पे पुलिस ने मॉनिटर करते हुए और उसके ऊपर काबू पाते हुए फर्दर सिर्फ 3 व्हीकल्स डैमेज हुए 1 तारीख को, डैमेज हुए, आगजनी नहीं हुई और फर्दर आज अभी तक की जो हालात हैं उसमें इस प्रकार की कोई भी घटनाक्रम रिपोर्ट नहीं हुई। कल रात से और आज पूरा गुड़गांव शांत है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, सारी स्थितियों पे मॉनिटर करा जा रहा है, नियंत्रित है, पुलिस के अधिकार क्षेत्र के अंदर है, किसी प्रकार की कोई भी ऐसी घटनाक्रम अब सामने नहीं आ रहा है। पुलिस हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ अपने फोर्स को डिप्लॉय कर रखा है और गुड़गांव पुलिस के अंदर जो हमारी फोर्स मेवात नू के अंदर 2 कंपनियाँ हमारी 3 कंपनियाँ जो रिपोर्ट कर रखा था उसमें से 1.5 कंपनी अभी भी वहाँ है, उसके एवज में गुड़गांव पुलिस को RAF की रैपिड एक्शन फोर्स की सेंट्रलाइज फोर्स जो है उसकी 2 कंपनियां गुड़गांव में डिप्यूट है जो कि सोना और बादशाहपुर एरिया में एक्सटेंसिवली रूट मार्च कर रही हैं कि किसी प्रकार के ऐसे लोगों को पहचान करी जाए, ऐसा घटनाक्रम को अंजाम देने वालों को रोका जाए और उनकी पहचान करके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी भी आपके पास खबर आई थी वो सारा कुछ मेवात से संबंधित थी, उस संबंध में गुड़गांव पुलिस ने ऑलरेडी एहतियातन स्टेप्स लिए गए थे, प्रिकॉशनरी जितने स्टेप्स लिए गए थे पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार की कोई भी घटनाक्रम जो हुई है वो मेवात जिले के अंदर हुई है, वहाँ पर भी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग करी गई थी और वहाँ पर फोर्स डिप्लॉय करी गई थी, लेकिन कुछ संबंधित जगहों के अंदर इस तरीके की वारदात और घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उसके खिलाफ मेवात जिले के अंदर ही लगभग काफ़ी एफआईआर और रजिस्टर्ड करी गई हैं, काफ़ी लोगों को वहाँ पर अरेस्ट करा गया, अप्रीहेंड करा गया है, डिटेन करा गया, पूछताछ जारी है, संबंधित जो भी जानकारी होगी आपकी सूचित की जाएगी। मोनू मानेसर के खिलाफ संबंधित जो भी सेक्शंस चल रहे हैं, जो भी उसके खिलाफ आरोप है उसके तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी और आपको उस बारे में सूचित किया जाएगा, लेकिन उसके संबंध में मैं आपको गुड़गांव पुलिस की तरफ से एक अपील भी करना चाहता हूँ, गुड़गांव पुलिस की तरफ से मैं दोबारा से ये अपील करना चाहता हूँ, गुड़गांव पुलिस द्वारा संबंधित काफ़ी ऐसे माध्यमों से पहले भी अपील करी गई है सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि गुड़गांव के अंदर सभी स्थिति नॉर्मल है, किसी भी प्रकार का कोई क्योस नहीं है, किसी प्रकार से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इंटरनेट जो सुचारू रूप से मेनलैंड के अंदर चल रहा है और किसी भी प्रकार के जो वर्क ऑफिस हैं, स्टेशंस हैं, सभी सुचारू रूप से कार्यरत हैं, किसी प्रकार से कोई रोकथाम कोई बंदिश नहीं है। बजरंग दल जो थ्रू आउट इंडिया उन्होंने जो ये विरोध प्रदर्शन करने का और मेमोरेंडम देने के लिए, विज्ञापन देने के लिए जो उन्होंने प्रदर्शन करने की बात कही है उस संबंध में संबंधित हमारे आला अधिकारी सभी उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे संपर्क में हैं और कोशिश है कि किसी प्रकार की भी कोई गैर जो गतिविधि है इस तरीके अंदर कोई संलिप्त ना हो जाए, ऐसी कोई गतिविधि को अंजाम ना दिया जाए, क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा है और गुड़गांव पुलिस द्वारा लगभग 2850 आदमी जो आउट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गुड़गांव में डिप्लॉयमेंट करी गई है वो पुलिस तैनात है और एक्सक्लूसिवली कॉम्युनल राइट्स ना हो कहीं पर इस प्रकार की गतिविधियों को रोक लगाया जा सके, उसमें लगभग 2100 से 2200 के आसपास की जो फोर्स है हमारी गुड़गांव पुलिस के अंदर तैनात है,
और आपको बता दिया जिस प्रकार से मेवात के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, नू के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, नू के घटनाक्रम के दौरान होते ही, क्योंकि गुड़गांव एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव से कम 2 से 3 कंपनियां फोर्स जो गुड़गांव की पुलिस की फोर्स थी वो वहां पर मेवात में रिपोर्ट करा उन्होंने। वहां की वो जो वायलेंस हुआ था, कम्युनल वायलेंस जो वहां पर हुआ था उसको रोकथाम करने में नू और मेवात पुलिस की मदद करी। लेकिन अब जो कंपनी है लगभग हमारी 115 से 120 आदमी हमारे DCP क्राइम साहब के साथ मेवात में अभी भी डेप्यूटेड हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं। तो ये हमारी जो फोर्स लगी हुई है इसके बारे में संक्षिप्त विवरण था। नहीं, पलायन के लिए हम इसको कंडेम करते हैं। कुछ लोग अगर अपनी मर्जी से अगर छोड़ के गए हैं तो उसके बारे में भी हम अधिकारियों को रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम आप सबसे अपील करते हैं, जितने भी मुस्लिम समुदाय के या हिंदू समुदाय के लोग जिनके मन में किसी भी प्रकार का भय या भावना इस प्रकार की आ रही है, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, गुड़गांव पुलिस के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रकार की किसी भी फॉल्स र्यूमर्स जो खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही है, किसी भी प्रकार से आप उनके ऊपर विश्वास ना करिए। गुड़गांव पुलिस बिल्कुल तुरंत प्रभाव से आपको मदद देने के लिए पहुँचेगी और आपके साथ है। ऐसी कोई स्थिति गुड़गांव के अंदर नहीं है जिस वजह से आपके अंदर डर हो। गुड़गांव में अगर आप रूटीन में घूमें तो सारी जगह बिल्कुल नॉर्मल रूटीन का ट्रैफिक है, ऑफिसेज खुले हैं, स्कूल्स स्टार्ट हो गए हैं, किसी चीज़ के ऊपर कोई रोक नहीं है। आपको डरने की और किसी भी प्रकार का भय गुड़गांव के अंदर सिर्फ एक ही घटनाक्रम हुआ है जिसके अंदर 2 व्यक्तियों को जो चोट आई थी, जिसमें जो मॉस के अंदर एक की डेथ हो गई थी और एक को जो जिसके पैर में गोली लगी थी उसके साथी को, उसका इलाज चल रहा है। उसके अलावा गुड़गांव के अंदर किसी कर्मियों की बात करूं जो मैं आपको बता रहा हूं, उसके अलावा गुड़गांव के अंदर कोई भी मारपिटाई या किसी का ऐसी कोई घटना नहीं आई कि किसी पुलिस वाले के गुड़गांव के अंदर किसी पुलिस वाले के साथ, किसी पुलिस ऑफिशियल्स के साथ या किसी पब्लिक मैन के साथ, एक उस घटनाक्रम को छोड़ के कोई ऐसी वारदात का रिपोर्ट नहीं हुआ जहां पर किसी को कोई चोट आई हो। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।